नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। अंततः 4 साल बाद वह दिन आ ही गया जब नर्सिंग कॉलेज की लड़कियों की परीक्षा हो गई। लड़कियों का कहना था कि हमें उम्मीद ही नहीं थी कि हमारी परीक्षा होगी। जिस तरीके से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सीबीआई पूरे मामले में इन्वॉल्व थी, उसको देखकर हमें लगता था कि हम जैसे बच्चों की कौन सुनेगा। लेकिन फाइनली आज परीक्षा हो गई, वह भी पूरे 4 साल बाद, कोर्ट की दखलंदाजी के बाद। नर्सिंग कॉलेज की छात्रों की आज रीवा के 3 सेंटर में परीक्षा संपन्न हुई, जिसमें 171 लड़कियों को परीक्षा देनी थी, लेकिन 3 छात्राएं अनुपस्थित रही, जिससे 168 लड़कियों ने परीक्षा दी। हम आपको बता दें कि पूरे प्रदेश सहित रीवा में एक लंबे अरसे के इंतजार के बाद नर्सिंग कॉलेज की लड़कियों ने परीक्षा दी। इसके लिए बकायदा रीवा शहर में 3 केंद्र बनाए गए थे, जिसमें से एक केंद्र था रीवा का आयुर्वेदिक कॉलेज। यहां पर 171 लड़कियां परीक्षा देने के लिए रजिस्टर्ड थी, जिसमें से 3 लड़कियां अनुपस्थित रही और 168 लड़कियों ने परीक्षा दी। कुछ लड़कियों ने कहा, हमें विश्वास ही नहीं हो रहा, हमारी परीक्षा हो गई। कल शाम तक हमें, या यूं कहे परीक्षा होने के पहले तक, कहीं से नहीं लग रहा था कि परीक्षा होगी। एक लंबे समय से हम लोग इंतजार कर रहे थे अपनी परीक्षा का, लेकिन समस्या तब ज्यादा ही बढ़ गई जब रीवा के एकमात्र शासकीय नर्सिंग कॉलेज की मान्यता ही रद्द कर दी गई। उसके बाद तो लग ही नहीं रहा था कि परीक्षा होगी, लेकिन कोर्ट ने बीच में दखलंदाजी की, सरकार ने नियमों को शिथिल किया, नतीजे के रूप में आज हमारी परीक्षा हो गई। मैं शिवानी कुशवाहा, श्री सद्गुरु साईनाथ नर्सिंग कॉलेज छात्रा हूँ। आज हमारे एग्ज़ाम हुए हैं इतने लंबे टाइम बाद। हमेशा की तरह हमें इस बार भी लगा था कि हमारे जो एग्ज़ाम होंगे वो डेट पोस्टपोन हो जाएगी, पर हमें उम्मीद थी कि शायद इस बार हो ही जाएँ, और फाइनली हमारे एग्ज़ाम हो गए हैं। हमें खुशी है, बस ऐसे टाइम से एग्ज़ाम होते रहें और हमारा भविष्य उज्ज्वल रहे, बस इतना ही चाहते। मेरा नाम पूजा पटेल है, मैं सद्गुरु साईनाथ कॉलेज से हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लगा एग्जाम देके, ऐसे बस हमारे एग्ज़ाम सारे ईयर के होते रहे। आपको उम्मीद थी परीक्षा हो जाएगी? हमें कोई भी उम्मीद नहीं थी, हमें बहुत खुशी हुई देके एग्जाम। थैंक यू। मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत हमारा कॉलेज भी आता है, मेडिकल कॉलेज भी आता है, नर्सिंग कॉलेज भी आते हैं। तो नर्सिंग कॉलेज का सेंटर हमारे महाविद्यालय में पहले से बनता रहा है, तो इस बार भी उन्होंने काफ़ी अरसे के बाद जो परीक्षाएं स्थगित थी वो परीक्षाएं संपन्न होनी हुई हैं। तो आज उनकी परीक्षाएं प्रारंभ हुई, जिसमें 171 बच्चों का रजिस्ट्रेशन था हमारी तरफ, और उसमें 3 बच्चे आज एब्सेंट थे। 168 बच्चों ने आज हमारे यहाँ परीक्षा दी।